सो फ्रेंड्स, डेली मैं कल के लिए रूटीन बनाने से पहले देख लेती हूँ कि टेम्परेचर कितना है। तो आज 13 है और कल मंडे हो जाएगा, तो कल 8 डिग्री गिरने वाला टेम्परेचर, और इसी हिसाब से मैं कल का शेड्यूल बनाऊंगी ताकि तबीयत भी ना ख़राब हो और सब कुछ कंटिन्यू चले। और इसी के साथ गुड मॉर्निंग एवरीवन, जय श्री राम, बजरंग बली की जय, एन्योन हैसेयो एंड वेलकम इन माय वर्ल्ड। सो आज है 16th जैन और मैं खुद को देने जा रही हूँ 8 आवर का स्टडी चैलेंज, जो कि सुबह के 6 बजे से शुरू होगा और कंटिन्यू 8 आवर तक चलेगा। तो सबसे पहले आज का टारगेट सेट कर लेते हैं कि आज कौन कौन सा टॉपिक स्टडी करना है। तो आज मेरे को सिर्फ एक ही टॉपिक स्टडी करना है, वो है मैथ का सर्कल, जिसमें पूरा दिन निकलने वाला है क्योंकि सर्कल का टॉपिक बहुत बड़ा है। क्लास 6 से क्लास 10 to 12 तक ये टॉपिक खुद ब खुद बड़ा हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं, टारगेट सेट हो गया है और डेमो क्लास और करेंट अफेयर को बिल्कुल नहीं भूलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का चैलेंज। और ये चैलेंज मेरे लिए बेनिफिशियल होने वाला है क्योंकि इस चैलेंज के कारण ही मैं सर्कल का जो टॉपिक है, जो मैं 1 वीक में सोच रही थी कंप्लीट करने का, वो 1 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। और ऐसा नहीं है कि बाद में ये ऊपर ऊपर से पढ़ रही हूँ, नहीं, मुझे डीपली पढ़ना है ताकि दोबारा मुझे इस टॉपिक का कॉन्सेप्ट को पढ़ना ना पड़े, सारा माइंड में फिट हो जाए और फॉर्मूलास वगैरह कैसे इसमें बनते हैं, सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाए। तो मन लगा करके एकदम पूरे कॉन्सेंट्रेट के साथ सुबह में पढ़ाई करें तो वो पढ़ाई हमेशा ध्यान रहता है, याद रहता है। और इस तरह से ये कुछ टॉपिक्स सुबह के 2 आवर में कवर हो पाए हैं। और अब टाइम है करेंट अफेयर का, क्योंकि 8 बज गए हैं और 30 मिनट मैं दूंगी करेंट अफेयर, आज के करेंट अफेयर, हालांकि ज़्यादा नहीं थे इसलिए ज़्यादा समय नहीं लगा। और गाइस, आज का सबसे फर्स्ट न्यूज था कि 71 मिस यूनिवर्स कौन बनी है, तो वो है आर बॉनी गैब्रियल, जो कि अमेरिका की ही है। और ये जो फंक्शन था, ये जो मिस यूनिवर्स कॉन्टेस्ट था, वो अमेरिका में ही हुआ है। और इस तरह से ज़्यादा आज कुछ खास न्यूज नहीं था, और लेकिन करेंट अफेयर है तो डेली स्टडी करने से यही फ़ायदा होता है, कभी कम कभी ज़्यादा। तो इस तरह से 8:30 के अप्रोक्स हो गए हैं, तो आज का टारगेट। सो अभी तक तो सब कुछ सही जा रहा है और अब है डेमो क्लास की बारी। तो सबसे पहले मैं जो टारगेट सेट की थी उसमें देख लेती हूँ कि क्या क्या चीज़ है। आज मैं सोची थी क्वाड्रेटिकल भी पढ़ लूँगी, पर सर्कल में ही पूरा समय निकल जाएगा और फिर दिमाग उतना फिर एक्सेप्ट भी नहीं कर पाएगा न्यू टॉपिक का। तो आज मैं पूरा सर्कल ही कवर करूँगी, समझ में बहुत अच्छा आ रहा था। सुबह में पढ़ाई करने से यही फ़ायदा होता है कि कोई भी न्यू टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आती है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, सो आज फिर से एक और डेमो क्लास लेकिन छत पर चल रहा है, जहाँ पर प्रियांशु को न्यू चीज़ याद करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। और साथ में ये भी पता चल रहा है कि लर्निंग अधिगम जो CDP होता है उसका प्रैक्टिकल किया जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डेमो। एक छोटे बच्चे को पढ़ाना इतना आसान नहीं है। प्रियांशु को रविवार सोमवार याद करवाने के लिए मैं कम से कम 12 से 13 बार सेम वीडियो को बनाई हूँ, तब जा करके इसको रविवार सोमवार अच्छे से याद हुआ है। और ये है अधिगम लर्निंग, बच्चे को कैसे पढ़ाया जाए CDP।
हमारा पैडागोजी का प्रैक्टिकल, सो आप भी देखिए और इंटरटेन हो। ये आनंद की गहराइयों से फिर से हो रहा है। गुड मॉर्निंग प्रियांशु। गुड मॉर्निंग। आज प्रियांशु क्या सुनाएगा? रविवार सोमवार। तो जोर जोर से जोश के साथ सुनाइए। रविवार सोमवार मंगलवार गुरुवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार। वेरी गुड, दो हाई फाइव। फाइनली प्रियांशु याद कर लिया, और इसको याद करने में कम से कम 10 से 12 बार हमको वीडियो बनाना पड़ा ना प्रियांशु। अब याद हो गया ना? भूलना मत कभी भी। और ये गुड मॉर्निंग से लगता है गुड आफ्टरनून, नहीं गुड आफ्टरनून, हाँ गुड आफ्टरनून हो गया है। कॉन्सेप्ट एक अहम रोल अदा करता है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथ हो, ईवीएस हो, जीके जीएस हो, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है माइंड में, एकदम कॉन्सेप्ट पानी की तरह, शुद्ध पानी की तरह साफ है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन, उसके आसपास के क्वेश्चन को कनेक्ट करके हम उसका आंसर को क्रैक कर सकते हैं। और कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम में यही तो खोजा जाता है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप कोई भी क्वेश्चन को अपने हिसाब से क्रैक कर सकते हो। और यही चीज़ यहाँ पर मैथ के इस सर्कल वाले टॉपिक में है। सारे कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गए, लेकिन चीज़ों को याद कैसे रखें? कॉन्सेप्ट तो बहुत सारे, आप सर्कल का ही देख ले, 6 से लेकर 10 तक में बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, लेकिन देखा जाए तो एक दूसरे से कनेक्टेड है। और एक स्टोरी के माध्यम से अगर कॉन्सेप्ट याद रखे तो हमेशा के लिए याद रहेंगे, क्योंकि स्टोरी किसे नहीं पसंद होती। और कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद उसका प्रैक्टिकल करना बहुत ज़रूरी है, यानी कि उससे रिलेटेड क्वेश्चन लगाने का। और सर्कल में यही चीज़ मेरे साथ हुआ था। सर ने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद सर सिर्फ 6 क्वेश्चन दिए थे, और कॉन्सेप्ट 4 से 5 पेज मेरे कॉपी में आया। जो जो मुझे आता था वो मैं नोट डाउन नहीं की थी, हमेशा की तरह मेरा बुरा आदत। तो उस 6 क्वेश्चन को जैसे ही कॉपी पर मैंने लिखी, एक भी क्वेश्चन नहीं बन रहा था, तो मैंने वीडियो को पॉज किया, 2 मिनट सोची, चीज़ों को कनेक्ट करने की कोशिश किए। फर्स्ट राउंड में नहीं हुआ, जब तक कॉन्सेप्ट मेरा कनेक्ट नहीं हुआ क्वेश्चन से कम 6 से 7 मिनट लगा, और 6 वो क्वेश्चन उस अलग अलग कॉन्सेप्ट से क्लियर हो गए, जिसमें सर ने 2 से 3 क्वेश्चन जो है हार्ड दिए थे। और जैसे ही कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, चीज़ों को मिसेलिनियस था, इंट्रैक्ट किया हुआ था, तो करते करते क्वेश्चन सॉल्व हो गए, और बड़ा खुशी हुआ कि शायद अब दिमाग में कॉन्सेप्ट बैठ गया होगा। और इस तरह से 1 आवर हो गया है, और बाकी के समय मैं इससे रिलेटेड प्रैक्टिस करूँगी, ताकि चीज़ों को अच्छी तरह से मैं याद कर पाऊँ। और इसी की तरह से गाइस 8 आवर का चैलेंज कम्प्लीट होने वाला है, बस 2 आवर तक इसको एक क्लास और है, जिसमें सिर्फ सर MCQs करवाए हैं, तो उसको प्रैक्टिस कर लेंगे। तो इस तरह से मेरा सर्कल का टॉपिक आज ख़त्म हुआ, और मे भी चैलेंज भी कंप्लीट होगा। और इस तरह से मेरा आज का जो सुबह में मैं टारगेट सेट की थी सर्कल को कंप्लीट करना, वो कंप्लीट हो गया। और इसी के साथ मैं अपना कॉन्सेप्ट वाला एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करके बहुत अच्छा फील कर रही हूँ, और बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं लगभग टारगेट को कंप्लीट कर ली हूँ। और इसी के साथ गाइस मंडे है, संडे को खिचड़ी नहीं बनता है, मकर संक्रांति संडे को था, तो आज खिचड़ी बन रहा है। और इसी के साथ मकर संक्रांति भी कंप्लीट हुआ, टारगेट भी कंप्लीट हुआ। और प्लीज़ गाइस, अगर आप अभी भी मेरे वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, दोस्तों के भी शेयर ज़रूर करिएगा। बाय बाय गाइस, टेक केयर, बाय।